friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 7, Congruence of Triangle of Class 7. Exercise 7.2 Question number 1. Which congruence criteria do you use in the following? यहाँ पे हमें कुछ triangles given हैं. इन triangles, ये triangles हमारे already congruent हैं. अब हमें बताना है कि इन triangle को congruent proof करने के लिए कौन सा criteria use किया गया है. So ये इसका A part है. A part पे हमें given है AC is equals to DF. ये दो triangle हैं ABC and DEF. AC जो है वो DF के equal है, means ये वाली side है AC, वो इस DF के equal है. Then AB is equals to DE. AB side DE side के equal है and BC is equals to EF. BC side जो है वो EF के equal है. So triangle ABC congruent to triangle DEF. जब हमने तीन चीज equal कर prove कर दी है तो हमारे दोनों triangle congruent होंगे. अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा criteria use हुआ है. तो criteria find करने के लिए हम ये तीनों चीज को check करेंगे. AC is equals to DF. AC and DF दोनों triangle की side है जो कि हमें given है कि ये दोनों equal है. AB is equals to DE. AB and DE AB side है and BC is equals to EF. ये भी इसकी side है. So हमारे triangle congruent कैसे prove हुई है? Side 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 से. So यहाँ पे कौन सा criteria use हुआ है? साइड साइड साइड. हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्राइंगल को कोई तीन चीज इक्वल देखनी होती है. ये फर्स्ट भी साइड है, सेकंड भी साइड है, थर्ड भी साइड है. सो इन दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड 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 का क्राइटेरिया यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड. ये दोनों ट्राइंगल हमारे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन इसमें हमें बताना है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है. सो ये बी पार्ट है. इसमें हमें गिवन है जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी. सो ये जो हमारी कैलकुलेशन है, ये हमारी वो कैलकुलेशन है जिससे जो हम यूज करते हैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी. जेड एक्स लाइन जो है वो आर पी लाइन के इक्वल है. सो ये हो जाएगा जेड एक्स इज इक्वल्स टू आर पी. देन आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई. आर क्यू साइड जो है वो जेड वाई के इक्वल है. सो ये होगा आर क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई. देन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई. इसमें बीच वाला एंगल आर है, ये जाएगा पी आर क्यू. तो यहाँ पे हमें एंगल आर लेना है, यहाँ पे बीच में जेड है तो यहाँ पे हम जेड लेंगे. सो ये हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई. ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है. किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उसमें से हमें तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी होती है. तो फर्स्ट हमने साइड इक्वल लिए दोनों ट्राइंगल की, सेकंड पे भी हमने दोनों ट्राइंगल की साइड इक्वल लिए एंड थर्ड पे दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल है. सो जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, ये ट्राइंगल की एक साइड है. आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, ये भी इसकी एक साइड है. एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड वाई, ये इसका एक एंगल है. सो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है? अगर हम इसको देखते हैं सीरीज वाइज, तो यहाँ पे साइड है, डन साइड है, फिर एंगल है. लेकिन जब हमारे पास इस तरह से होती है कि दो साइड है, एक एंगल है, तो हम एंगल को बीच में लिख देते हैं और साइड को हम आगे पीछे लिख लेते हैं. सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है? साइड, एंगल, साइड. सो ये जो हमारे ट्राइंगल है पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? साइड, एंगल, साइड से. नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एफ जी एच. ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है एंगल एफ एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच. इसमें से देखेंगे कौन सा एंगल एम एल एन, ये वाला जो एंगल है हमारा एल, जो लेटर हमारा बीच में होता है उसको वाला एंगल लेना होता है हमें. देन एंगल एफ जी एच, एफ जी एच यानी कि ये वाला एंगल, एंगल एल एंगल जी के इक्वल है. देन एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच. यहाँ पे एम है, एम एंगल जो है हमारा वो एफ एंगल के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू दिस. देन एम एल इज इक्वल टू एफ जी. एम एल लाइन जो है हमारी वो एफ जी लाइन के इक्वल है. सो ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ जी एच. तीन चीज हमारी इक्वल हो गई तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे. फर्स्ट हमें यहाँ पे ये एंगल गिवन है, फिर से एंगल एल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच, ये भी एंगल है. देन एम एल इज इक्वल टू एफ जी, ये इसमें
साइड है. सो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने पहले एंगल यूज किया है, फिर से एंगल यूज किया है, देन हमने साइड यूज किया है. तो हमने यूज किया है यहाँ पे ए ए एस. लेकिन जब हमारे पास दो एंगल और एक साइड होती है तो एक साइड जो होती है हमारे पास उसको हम बीच में लिखते हैं और दोनों एंगल को हम आगे पीछे लिख लेते हैं. इसमें से हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करता है. सो ये क्या होगा, ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय एंगल साइड एंगल. ये होगा इसका क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल. नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट. डी पार्ट में हमें दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी बी. ये दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. अब हम इसमें क्राइटेरिया फाइंड करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है ई बी इज इक्वल टू डी बी, यानी कि ई बी साइड जो है वो डी बी साइड के इक्वल है, एंड ए ई इज इक्वल टू बी सी, ए ई साइड बी सी साइड के इक्वल है. Then angle A is equals to angle C is equals to 90 degree. Angle A is equals to angle C and ये दोनों एंगल हमारे 90 degree के हैं. तो जब हम इसको देखेंगे हमारे माइंड में एक चीज आएगी कि यहाँ पे तो साइड साइड एंड एंगल आ रहा है, ये भी साइड है, ये भी साइड है एंड ये एंगल है. तो यहाँ पे हम ऐसे एस ले सकते हैं, दो साइड है एक एंगल है. साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं होगा. क्यों यूज नहीं होगा, जब हम देखेंगे हमारे पास एक एंगल है दो साइड है. सो हमने ये दोनों साइड लिए, इन दोनों साइड में तो हमारा एंगल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे होता तो दोनों साइड से हमारा एंगल कवर हो जाता. अब हमारे पास दो साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं जिसके अंदर एंगल इंक्लूड नहीं है. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये दोनों साइड तो आ रही है लेकिन एंगल नहीं इंक्लूड है इन दोनों साइड्स के अंदर. सो यहाँ पे हम दूसरा क्राइटेरिया लेंगे जो होगा हमारा आर एच एस. ये बहुत कम यूज होता है लेकिन कभी कभी यूज होता है. आर मीन्स होता है राइट एंगल, एच मीन्स होता है हाइपोटेनस एंड एस मीन्स होता है साइड. सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो जिसके लिए हमने आर लिया है. यहाँ पे हम आर यूज करेंगे, देन हाइपोटेनस, ये हमारी हाइपोटेनस है, ये हमारी हाइपोटेनस है, यानी कि ये जो साइड है ई बी साइड वो ए बी ई की हाइपोटेनस है एंड ये जो बी डी साइड है वो सी डी बी की हाइपोटेनस है. सो ये दोनों हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल है. सो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी बी, ये हमारी हाइपोटेनस है. एंड एक साइड हमने ट्राइंगल की ये ली है ए ई एंड इस ट्राइंगल की एक साइड हमने ली है बी सी, ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल है. सो ये होगी इसकी साइड. सो ये जो हमारे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ आर एच एस. सो ये होगा इसका आंसर. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल.